ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बस चिंतन की शाम, सुख दुख हमारे अपने ही पैदा किए हुए हमारे अपने ही मनोभूमि के परिणाम है। हम अपनी मनोभूमि परिकृष्ट करें, विचारों का उत्कृष्ट और रचनात्मक बनाए, भावनाएं शुद्ध करें। इसी शर्त पर जीवन हमें सुख शांति प्रसन्नता आनंद प्रदान करेगा, अन्यथा वह सदा संतुष्ट और रूठा ही बैठा रहेगा और अपने लिए आनंद के द्वार सदैव बंद रखे रहेगा। शुभ कार्यों में लगने वालों, उन्नति और विकास की ओर बढ़ने वालों के समक्ष एक ही मार्ग है, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की और निरंतर गतिशील रहना। एक बार शुभ लक्ष्य और उत्कृष्ट मार्ग का चुनाव कर फिर उस और निरंतर आगे बढ़ने रहना कर्मवीर के लिए आवश्यक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि फिजूल खींची समाज कराता है, हम क्या करें? समाज आर्थिक मूल्यों को ही मान्यता देता है। यदि हम बन ठन कर समाज में दिखावा नहीं करेंगे तो समाज में हमारी कौन पूछ होगी? खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, हमारे समाज का जैसा रूप देखते हैं वैसे ही करने हैं, यह तर्क थोथे और सारहीन है। फिजूल लक्ष्य तो एक व्यक्तिगत चीज है, इस गलती को जिम्मेदार व्यक्ति है समाज नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन के क्षण। दुनिया में हर आदमी के सामने समस्याएं है, सबकी अपनी अपनी उलझनों में है। पूर्ण संतुष्ट और सुखी व्यक्ति की रचना परमात्मा ने नहीं की है। जितना कुछ प्राप्त है उस पर आनंद मनाने, संतुष्ट रहने की और अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहने की नैतिक जिनने अपना ली है, उसके लिए हंसते रहने के लिए अगणित कारण अपने चारों ओर बिखरे दिखाई पड़ते हैं। बच्चों को आमतौर से उनके अभिभावक बहुत अच्छे उपदेश देते रहते हैं और उन्हें राम भरत एवं श्रवण कुमार देखना चाहते, पर कभी यह नहीं सोचते कि क्या हमने अपनी वाणी एवं आकांक्षा को अपने में आवश्यक सुधार करने इस योग्य बना लिया कि उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ सको। हमारे जीवन में जितना निर्थक प्रलाप करते हैं, निर्थक शब्द बोलते हैं, यदि उनके समय में कुछ काम किया जाए तो उतने से एक नया हिमालय पहाड़ बन जाए। यदि इन शब्दों का उपयोग किसी को स्वतंत्रता देने, भगवत पूजन, प्रभु नाम स्मरण, संगीत जप कीर्तन में करे तो हमारा और समाज का कितना भला हो सकता है। साथ ही हम वाचालता के उत्पन्न दोष जिससे लड़ाई झगड़ा कलेश ईर्ष्या द्वेष आदि का उदय होता है उनसे बचे जाए। विषय वासनाएं ये हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की तरफ तो है नहीं कि हाथ खोल कर दीजिए वह स्वतः गिर जाएगी। यह जन्म जन्मांतर का कलुषित है जो मनोदर्पण पर संचित होकर स्थायी बन जाता है। इस मल मल कर धोना पड़ेगा। किस प्रकार मैल को मैल से साफ नहीं कर सकते, उसी प्रकार विषयों को वासना से नहीं धोया जा सकता। उनको धोने के लिए निर्मल भावनाओं की आवश्यकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव।